I'm sorry. रहीला आंटी को घर से निकाल दिया। हाँ। तमाशा हुआ है भाई। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि उनको निकाल दिया घर से। मेरी माँ के सर से एक लटकती हुई तलवार उतर गई। खुश तो होना चाहिए मुझे, लेकिन मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ दूसरों को परेशान देखते हुए खुश हो, भले ही वो मेरी सौतेली माँ क्यों ना हो। तुम्हें पता तुम्हारा मसला क्या है, कि तुम जरूरत से ज्यादा स्वीट हो। इतनी स्वीटनेस जो है ना वो नॉर्मल नहीं होती है। नहीं और बता दो क्या खामियां और कमियां हैं मुझ। सब कह तो दिया है तुमने, आज जो कसर रह गई है वो भी पूरी कर दो। तुम्हें सिर्फ एक बुराई है नहीं। और वो बुराई ये है कि तुम कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। और ये बुराई सिर्फ तुम्हें ही अंदर अंदर खा रही है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वरना जाओ बोलो जाके अम्मा से एक दफा, ये बाकी घर वालों से कि फाखिर मुझे खुश नहीं रखता, मैं उसके साथ ठीक नहीं हूँ, मुझे वो इज्जत नहीं देता। लेकिन तुम नहीं बोलोगी बिल्कुल भी। मुझे चैलेंज मत करो फाखिर, क्योंकि इस बेवक रिश्ते को मैंने हर वक्त निभाया है, अम्मा अब्बा के लिए और अब अनाया के लिए। तुम भूल जो इस रिश्ते की जिम्मेदारियों से भागते, मैं नहीं। ये लड़ा बैठो। एक गलत फहमी तुम्हारी आज दूर ही कर देता हूँ मैं। एनी, मुझे थ्रू आउट पहले दिन से जो मसला रहा है वो सिर्फ इस शादी से रहा है। मेरी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते के इर्द गिर्द रिवॉल्व हुई हैं। मेरा कभी भी तुमसे ना कोई मसला था, ना है और ना कभी होगा। मैं अगर भागा हूं ना तो सिर्फ इस रिश्ते से भागू और किसी चीज से नहीं। तुम्हें एक सच बताऊं, कड़वा लगेगा शायद, लेकिन ना हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल बिल्कुल नहीं है। हम एक दूसरे से बेहद मुख्तलिफ हैं। अगर दो लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे को अपनी हर बात बताते हैं, इसका हरगिज़ यह मतलब नहीं कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं या एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। नहीं है लाजिम कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करें। तुम्हें पता है हम दोनों क्या हैं? हम नदियों के वो दो किनारे हैं जो सामने हैं लेकिन कभी मिल नहीं सकते, और जो बीच में जो पानी है ना वो सारे मसले हैं जो आते जाएंगे हमारे बीच, लेकिन कभी रुकेंगे नहीं।